अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मधु भारद्वाज ने हिंदी विश्व की व्यापार की भाषा बन चुकी है। उनका कहना था कि विद्यार्थी सभी विषयों में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर कतराते हैं। अगर बात की जाए तो हिंदी की उन्नति की बहुत संभावना है। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रतिभा सम्मान समारोह है, जिसमें हिंदी में प्राप्त अंकों के आधार पर, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों, इंटर के हों, यूपी बोर्ड हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, उन सभी बच्चों को जिनके के हिंदी में उच्चतम अंक प्राप्त हुए हैं, उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में आए डॉक्टर मनोज रावत ने बताया कि आजकल लोगों की सोच है कि हिंदी के क्षेत्र में कोई भविष्य नहीं है, जबकि हिंदी भाषा को लेकर देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग अपना भविष्य बना रहे हैं। भारतीय ब्राह्मण महासभा ने जो आज कार्यक्रम रखा है और उसकी महिला विंग के द्वारा कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित है, इसमें हिंदी को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, क्योंकि हिंदी ही ऐसी भाषा है जो सबको आपस में जोड़ती है, हमारी संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। जब इसमें उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं, तो बच्चों को अंदर एक ऐसी भावना इंग्लिश की बनी हुई है कि इंग्लिश वाला ही आगे बढ़ सकता है, जिससे बच्चे अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तो ये सम्मान करके बच्चों को हिंदी के प्रति इसमें अधिक बढ़ेगा और गौरवान्वित महसूस करेंगे। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आए केंद्रीय हिंदी संस्था की निदेशक डॉक्टर वीना शर्मा ने बताया कि हिंदी भाषा का प्रयोग देश में ही नहीं विदेशों में भी उपयोग किया जाता है। देश विदेश के लोग आगरा आकर हिंदी सीखने के लिए आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान आते हैं और हिंदी सीख कर अपने अपने देश में अध्यापन कर रहे हैं। भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के द्वारा आज का आयोजन किया गया है। यह आयोजन उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए है जिन्होंने हिंदी में उच्चतम अंक प्राप्त किए। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का भी यह संकल्प है कि हमारे देश में हिंदी आगे बढ़े, और मैं इस आयोजन की बहुत सराहना करती हूँ। आगरा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जिस तरह से हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, ये खुशी की बात है। हिंदी के प्रति विद्यार्थियों का लगाव आने वाले समय में अच्छा संकेत है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।